अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ के निदेशक प्रदीप कुरुलकर हनी ट्रैप में फंस गए हैं इसके बाद कुरुलकर को निलंबित कर दिया गया है अब इस मामले में नागपुर के रहने वाले निखिल शेंडे का नाम भी सामने आ रहा है कुरुलकर को डीआरडीओ के निदेशक पद से हटा दिया गया था क्योंकि ये साबित हो गया था कि वह देश की संवेदनशील जानकारी कर रहे थे खुफिया एजेंसियों से उसके खिलाफ सूचना मिलने के बाद डीआरडीओ ने जांच शुरू की जांच में पता चला कि वह पाकिस्तानी जासूसों के संपर्क में था वायुसेना के कांस्टेबल निखिल मुरलीधर शेंडे नागपुर के मूल निवासी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए हनी ट्रैप स्थापित करने की कोशिश की थी निखिल की मां और चाचा शांतिनगर इलाके में रहते हैं निखिल के परिजनों का कहना है कि इस बारे में खबर पढ़कर उनके होश उड़ गए निखिल की मां ने भावना व्यक्त की कि खेल कोटे से वायुसेना में अधिकारी बने निखिल की जमीन और घर दुनिया है डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरलकर ने हनी ट्रैप में फंस गए हैं अब इस मामले में निखिल शेंडे का नाम सामने आया है और हड़कम मच गया निखिल शिंडे एक धावक है कुरुलकर को निखिल के मोबाइल से मैसेज आया कि मेरा मोबाइल क्यों ब्लॉक कर दिया गया है जिसके बाद निखिल से पूछताछ की गई। इस बीच निखिल के परिवार ने दावा किया है कि वह निर्दोष है उसे सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है लेकिन जांच अधिकारियों को इसमें कुछ नहीं मिला इसलिए अधिकारियों ने निखिल को तभी रिहा कर दिया बहरहाल आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत पुणे से कुरुलकर को गिरफ्तार किया गया है जब यह पाया गया कि वह 2022 से पाकिस्तानी जासूसों के संपर्क में था एक महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी कुरुलकर ने अपने पद का दुरुपयोग किया और संवेदनशील जानकारी लीक कर देश की सुरक्षा से समझौता किया मुंबई में एटीएस की काला चौकी इकाई में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है हमको सब झूठे लगता है वो सब निर्दोष उसमें, कोई उसमें नहीं है फालतू हमको वो नवभारत पेपर में दिखा उसका नाम जब हमने पूछा उसको तो वो बोले कुछ भी नहीं है टेंशन लेने की बात नहीं है मेरा पूरा ये होगा बोले जाँच होगी बोले जाँच मैं निर्दोष हूँ कुछ टेंशन नहीं लेना बोले तो बुरा तो लगेगा ना निर्दोष होते हुए भी उस पर आरोप लगेगा तो बुरा नहीं लगेगा कौन से कौन से माँ बाप को अच्छा लगेंगे बंगलोर में है ड्यूटी पे वो कुछ नहीं उन्होंने अपने पास उसका मोबाइल रखा और वहाँ पे लेके गए कूना में उसको पूना में, में जाती ना उसकी वो पता नहीं केसी, जो केसी केसी कैसी हुई क्या, क्या वो कुछ भी वो नहीं पता वो इसपे है ना खेलने में ना वो पोस्ट प्लेयर है ना वो प्लेयर ही है वो प्लेयर ही है वो नहीं नहीं कुछ भी नहीं है घर इसी में वो इनके नाम का इन बी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी रिपोर्ट